भाई छोड़ो, आपका नंबर इनके बाद है, जनता के बाद है। अगर आप जनता मेरे बीच में आओगे तो मैं नहीं, जनता के मेरे बीच में मिले लीजिए, मिले वहाँ थोड़ा सा स्टेट हो ना, और इनके आप सारे भी थोड़ा उधर हो तभी तो कब कर पाएंगे। हाँ जी करवा रहे बैठे, ये अनाउंस कर रहे थे। अभी कर रहे हैं 5 मिनट कह रहे कहीं जी लिखना नहीं आता, मैं जिस महिला को पढ़ना नहीं आता वो भी घर का खर्चा तो चलाती है कि नहीं चलाती है। अगर 100 रुपए कमा के लाए तो खर्चा कैसे करना वो भी कर लेती है। तो हम सब लोगों का पैसा दिल्ली की जनता का पैसा है, हम सब जनता का पैसा है। जनता के बीच में तय करेंगे कि कहाँ खर्च होना चाहिए, और जनता के बीच में तय करेंगे कि अगर पैसा कम है काम ज्यादा है तो पहले कौन सा काम करवाया जाए, ये भी तय करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत विजय सर समझ में आ रहा है बात? इसलिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। इसको कहते हैं जनता का बजट, सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट। जनता ने पैसा चुना, जनता ने MLA बनाया, जनता ने अफसरों को तनख्वाह दी, अब जनता बताएगी क्या हो रहा है उस पैसे से। ठीक है, तो ये करने के लिए हम आए हैं। हमारे ये साथी जितने वॉलंटियर हैं आपको एक एक पर्ची देंगे, आप में से जो जो लिख सकता हो, मोहल्ले बड़ों वालों से कह लें, बाजू वालों से पूछ लें, जो जो लिख सकता हो। आप हमें एक काम बताने, एक व्यक्ति एक काम बताएगा मोहल्ले में। ठीक है, एक व्यक्ति अपना एक काम बताएगा, अगर काम कम रहेगा तो फिर दोबारा पूछ लेंगे। तो हर एक जरूरी नहीं, हर एक बताए, 4-4, 5-5 लोग मिल गए, नाम जरूरी नहीं है सबके आए। जो पर्ची मुझे मिले उस पर किसी का नाम होना चाहिए। तो पर्चियाँ हम दे रहे हैं आपको, उस पर एक काम लिखवा दो, कोई बता दो गली बननी चाहिए, नाली बननी चाहिए, पानी की बस, जिसका जो मन करे, पार्क का, बच्चों का, स्कूल का, डिस्पेंसरी का, जिसको जो समस्या है, जिसको जो काम लिखवाना है वो लिखवा दो। अभी ये वॉलंटियर आपसे ले लेंगे सारे कागज, उसके बाद मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यहाँ बताऊंगा कि आप क्या क्या चाहते हो। अगर ज्यादा काम हुए हम आपसे वोटिंग करवाएंगे। इसके आवाज बढ़ाओ यार थोड़ा सा, ज्यादा कर रहे हैं।